SBI ऑनलाइन डॉट कॉम खुलते ही इंटरफेस आ जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये नया लिंक दे दिया है, यहाँ पे लिखना है क्योस डॉट बैंक SBI, क्लिक के सर्च करना है, फिर आपको लॉगिन पेज आ जाए। यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आपका पेज नहीं ओपन हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ सेटिंग करना होगा। वह हम ये जो आपका नया लिंक दिया है इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसके बाद चलो देखते हैं, आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके के सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको मिल जाता है डिफॉल्ट फुल ब्राउज़र का, यहाँ पे जाके इसको डिलीट करके आपको नया ऐड कर लेना है, ये जो पीस कर देना है आपने, फिर ऐड कर देना है, ये लिंक ऐड हो जाएगा। तो हम आपको ये करना है कि थ्री डॉट पर क्लिक करके ये जो मोर ऑप्शन है, मोर टूल्स है, इसके अंदर इंटरनेट ऑप्शन पे चले जाना है। इस पे ओके करते ही ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस सिक्योरिटी में जाके हमको टैक्स साइड में जाना है, फिर आपको साइट पे जाना है, फिर ये लिंक आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पे प्रेस करके आपको आप ये लिंक ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ का हो गया काम ख़त्म, फिर आपका लॉगिन पेज आ जाएगा, फिर आप लॉगिन करके सारे काम कर सकते हैं। लेकिन कई बार दिक्कत आ रही थी कि ये जो डाउनलोड है, डाउनलोड फोल्डर है जो क्रोम में काम करेगा। पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर डाउनलोड करके सेव में क्लिक करना है। ये डाउनलोड हो रहा है, तब ओपन फोल्डर में क्लिक करके इसको राइट क्लिक करके डेस्कटॉप में ले पेस्ट कर देते हैं। फिर चलिए आप दूसरा वाला भी सेव कर लेते हैं। डाउनलोड करके थोड़ा टाइम लेगा, फिर डाउनलोड हो जाएगा, फिर दूसरे इसको भी डेस्कटॉप पे लेके आते हैं। ये दोनों फोल्डर को डाउनलोड कर लिया है, फिर आपको सर्च में जाके कंट्रोल पैनल सर्च करना है। इसके बाद अनइंस्टॉल फाइल में जाना है। यहाँ पर जो पहले वाला पड़ी एप्लीकेशन है इसको अनइंस्टॉल करना है। ढूंढ के मिल गया, इसको सिलेक्ट करके अनइंस्टॉल करना है। इस फाइल को हमको एक्सट्रैक्ट करना होगा। इस फाइल को खोल के हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट फाइल के पे क्लिक करके ये जो डिस्ट बोला ये है इस चूज कर लेंगे, फिर ये जो हो जाएगा दोनों फाइल को कर लेना है, फिर इस फाइल को डिलीट कर लेना है। वो ओपन करना है, फिर पहले वाला जो ऑप्शन है इसको इंस्टॉल कर लेना है, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। इनिशियल हो गया, क्लोज कर देंगे। इसी तरह से मोटो वाला फाइल भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर राइट क्लिक करके जो रन एडजस्टमेंट करना है, एक हो रहा है, थोड़ी देर लगेगा, फिर हो जाएगा। फिर आपको चले जाना है क्रोम ब्राउज़र पर, आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लेना। फिर क्रोम के कुछ सेटिंग है जो आपको करना होगा। क्रोम प्लग्स में जाके कि आपको कुछ सेटिंग करना होगा। यहाँ पे सर्च करना होगा इनवैलिड, ये डिसेबल है तो इनेबल कर लेना है। डिसेबल है तो इनेबल कर लेना है। फिर
रिलायंस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का सेटिंग कम्प्लीट हो चुका है। फिर आपको दोबारा से क्रोम ब्राउज़र में जाके वो लिंक पेस्ट कर देना है। फिर आपको नया वाला लिंक आपको पेस्ट कर लेना है। फिर आपको लिंक जो आएगा वो यहाँ पे पॉपअप दिख रहा है, इसको आप वॉलेट ज्वाइन करके डाउन कर देना है। हम सर्च करेंगे तो आपको ये पेज खुल के आ जाएगा। फिर आप कुछ एरर दिख रहा है कि कुछ सर्वर पर कुछ कुछ सेटिंग नहीं है, कुछ सेटिंग करना होगा। फिर से देखो, आप इस टर्मिनल में जाके सर्विस सर्च कर लेना है। ACR BICS इसको सर्च कर लेना है। ये खुल गया। फिर यहाँ पे जाके आपको ढूंढना है पैड़ी वाला ऑप्शन को आपको स्टार्ट कर लेना है या रजिस्टर कर लेना है। फिर आपको खोजना है मोरफो वाला RD सर्विस। यहाँ पे मोरफो लिख के सर्च करने से मिल जाएगा। इसको आप रजिस्टर कर देंगे या स्टार्ट कर देंगे तब इसका काम क्रोम वाला पड़े वाला पेज खुल जाएगा। फिर आप क्रोम ब्राउज़र में जाके वो लिंक पेस्ट करना है या वो लिंक को सर्च कर लेना है। फिर देखो आपका ये फाइल खुल गया। फिर आप ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। या फिर देखो फिंगरप्रिंट मांग रहा है, या फिर फिंगरप्रिंट वेरीफाइड हो गया। फिर ये खुल गया। फिर आप बैंक के सारे काम कर सकते हैं। थैंक्स माय चैनल वाचिंग। प्लीज़ हमारे वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करने मत भूलना। थैंक यू।